यहाँ समोसा है, पकौड़ा है, चिकन फ्राई है, फ्रूट्स है, खजूर है, पानी है, रूह अफ़ज़ा है, शरबत मोहब्बत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जामा मस्जिद के पास सारा कुछ पकौड़े वकौड़े मिल रहे हैं। और आज जुमा का दिन है, फर्स्ट जुमा ऑफ रमजान है। हाजी मोहम्मद साहब बैठे हैं। मुझे मिलता 98 से और इससे पहले 75 से 24-25 साल फुटपाथ पे बैठो दो पैसे के अंदर। हाँ, दो पैसे का सोना बेचा है। 98 से हूँ मैं, कुछ ज्यादा नहीं, मैं मजदूर आदमी बाबू। और अजान हो गई है और हम लोग इफ्तार पे बैठ गए हैं सारे लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जकी व्लॉग्स। और आज हम लोग आ गए हैं पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6, दिल्ली का दिल, दिल्ली की जान, दिल्ली 6। और यहां हम लोग अभी इफ्तार करने के लिए आए हैं सब लोग के साथ। पीछे इंतखाब भाई हैं, शोएब है, निरंजन भैया हैं और कमरान भैया हैं। और हम लोग सब लोग आ गए हैं, अत्तन जी आ गए हैं और हम लोग दिल्ली 6 आ गए हैं इफ्तार करने के लिए। क्या बोलिए हम? और आपको दिखाते हैं अभी हम लोग कैसे यहाँ से इफ्तार का सारा सामान लेंगे। असर का टाइम हो गया, अजान हो रही है असर की। और अभी एक से बढ़ के एक शॉट यहाँ पर लेंगे जामा मस्जिद का और पूरा मटिया महल मार्केट का। और यहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ का इफ्तार, इफ्तार का सारा सीन। चलो लेट्स गो। और यहाँ पर देखिए एक और ब्लॉगर मिल गए हैं। हे बडी, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम आल्सो डूइंग ब्लॉगर। Yeah, where are you from? I'm from Russia. Russia? Moscow. Nice to meet you. Welcome to India. Welcome to Delhi. आप देख सकते हैं रौनक जामा मस्जिद की, कितना खूबसूरत ये माहौल। और ये पूरा देख सकते हैं दिल्ली 6, सामने हमारे जामा मस्जिद है और ये पूरा डेकोरेट। अभी शाम में शाम होगा वैसे ही लाइट जलेगी यहाँ पर, बहुत ही शानदार नजारा होगा। और आपको आज दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए टिक्के लग रहे हैं, कबाब लग रहे हैं, बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत ही प्लेजेंट मूवमेंट है। रमजान करीम, रमजान का महीना बहुत ही खैर और बरकत का महीना होता है, जो मुसलमानों के लिए बहुत ही स्पिरिचुअल मंथ कहा जाता है। इसी महीने में कुरान भी नाजिल हुई थी और इस महीने की बहुत ही ज्यादा इस महीने में बरकत होता है खाने से लेके सारे कुछ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जामा मस्जिद के पास सारा कुछ पकौड़े वकौड़े मिल रहे हैं। अभी यही सब हम लोग परचेस करके यहाँ से जाएंगे और वहाँ इफ्तार करेंगे जामा मस्जिद के अंदर। और आज जुमा का दिन है, फर्स्ट जुमा ऑफ रमजान है। और पहले जुमा के दिन देखते हैं कितना भीड़ होता है जामा मस्जिद में और कितना नहीं होता। और हम लोग अभी गेट नंबर 1, जैसे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में गेट नंबर 1 जामा मस्जिद और राइट हैंड साइड में मटिया महल बाजार है, जो इसी मटिया महल लेन में आपको सारी चीजें खाने की, असलम टिक्का हो, अलजवाहर हो, करीम सो, सारा कुछ मौजूद है। और रमजान का रौनक आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ अभी से बढ़नी शुरू हो गई असर के टाइम से। सारे लोग अपना सारा सामान लेकर के जामा मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं और वहाँ सारे लोग तो हुजूम बढ़ता जा रहा है। असर का नमाज पढ़ के सारे लोग इफ्तार के लिए बैठ जाएंगे और हम सारे दोस्त लोग भी आपको अभी मटिया महल में दिखाएंगे क्या क्या सारी चीज मिलेगी। मोहब्बत से शरबत लेकर के हाजी मोहम्मद हुसैन साहब की प्राइस से लेकर के सारा कुछ मटिया महल लेन में आपको मौजूद मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं शाहीनबाग की जमीन से उठ करके, ओखला की सरजमीन से उठ करके जहरा हमारा रेस्टोरेंट अब दिल्ली 6 मटिया महल में भी मौजूद है। अब जहरा की बिरयानी का लुफ्त यहाँ भी उठा सकते हैं और उसके बगल में अल जवाहर है, जवाहर होटल भी है और सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। और हमारे पीछे एक और सबसे फेमस कूल पॉइंट, जहाँ आपको लस्सी, हलवा और मतलब की रिफ्रेशिंग के जितने आइटम है और जितने भी स्वीट्स आइटम है यहाँ मौजूद मिलेंगे और यहाँ पर आके आप उसका लुफ्त उठा सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाजी मोहम्मद साहब बैठे हैं और इनकी प्राइस बहुत ओल्ड दिल्ली की सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्राइस है, चिकन प्राइस ये देते हैं। इनसे हम जानेंगे कब से ये दुकान है और क्या है। बस अंकल आप बताइए कि आपकी दुकान कब से यहाँ पे मटिया मोहल्ले में मौजूद है? मुझे मिलता 98 से और इससे पहले 75 से 24-25 साल फुटपाथ पे बैठो दो पैसे के अंदर। हाँ, दो पैसे का सोना बेचा है। 98 से हूँ मैं, कुछ ज्यादा नहीं, मैं मजदूर आदमी बाबू। ये बता रहे हैं कि 98 से इनकी दुकान है, ये पहले फुटपाथ पे बेचा करते थे और अल्लाह के करम से आज देखिए कि उनको दुकान भी हो गई है हाजी साहब की। और एक और चीज बताते हैं इनके प्राइस के बारे में कि जैसे कि और सब जगह देखते हैं बहुत देर मैरिनेट करके रखते हैं और ये तुरंत यहाँ पर इसको करते हैं और तुरंत फ्राई करते हैं। इनका प्राइस वन ऑफ द बेस्ट प्राइस है पूरे दिल्ली 6 में।
पर हम लोग समोसा ले लिए हैं और ये आप देख सकते हैं दुकान का नाम, ये एंट्री के बाद ही बस जस्ट, और खूबसूरती देखिए जामा मस्जिद की। यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स ले लिए हैं और उधर नमकीन ले लिए हैं सारा कुछ, और यहाँ पर हम लोग पकौड़े ले रहे हैं भैया के पास से, टेस्टी चिकन कॉर्नर। यहाँ पर आप भी आइए और पकौड़े खाइए, और यहाँ पे 60 रुपए का ये एक पाव, 60 रुपए का एक पाव मिक्स करके, इसमें प्याज के भी पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े हैं और पालक के पकौड़े हैं और मिर्च के भी पकौड़े हैं, चार तरह के पकौड़े को मिक्स करके ये 60 रुपए में एक पाव दे रहे हैं। यहाँ पर आप आ सकते हैं यहाँ से भी सामान लेकर के, और हमने फ्रूट्स ले लिया, पकौड़े ले लिए और नमकीन ले लिए और चिकन भी ले लिया आगे से, और अब हम लोग चलेंगे जामा मस्जिद की तरफ और आपको दिखाते हैं खूबसूरत और शानदार जामा मस्जिद दिल्ली से। सारे लोग बैठ गए हैं, भैया भी यहाँ पर है, देखिए भैया को फोकस कीजिए, और इधर सारा कुछ है, इफ्तार आ गया है, यहाँ समोसा है, पकोड़ा है, चिकन फ्राई है, फ्रूट्स है, खजूर है, पानी है, रूह अफ़ज़ा है, शरबते मोहब्बत है, और शोएब अभी क्या पता कहाँ चला गया, उड़ गया, गायब हो गया शोएब यहाँ पे से, अभी भैया के पैर में दर्द हो गया, मालिश होगा यहाँ से निकलने के बाद। और पीछे आप देखिए खूबसूरत जामा मस्जिद, और निरंजन भैया भी आए हैं साथ में, निरंजन भैया बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा चिल, और फर्स्ट बार एक्सपीरियंस, मजा आ रहा है। निरंजन भैया का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जामा मस्जिद में इफ्तार करने का, हमारा भी फर्स्ट टाइम है, और निरंजन भैया को बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और भीड़ काफी है, तो यहाँ पे आते जो भी आते हैं यार गंदा ना फैलाए और जूता चप्पल अवॉइड करे बाहर खोल के आए, क्योंकि ये धर्मस्थली है तो अच्छा नहीं लगता, लोग खाना खा रहा बैठ के तारीफ कर रहा है ये सब, और यहाँ से जो यहाँ का केयर टेकर है उसपे कहना चाहते हैं कि थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दे, गंद ना फैले। और एक और चीज है कि जितने भी बिलोंगिंग्स हम लोग है यहाँ पर, जितना भी खाएंगे प्लेट जो वेस्ट निकलेगा, वेस्ट को एक बढ़िया से पैक करके यहाँ से लेके जाएं, यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि मैनेजमेंट को भी और जामा मस्जिद के निजाम को भी मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होता है इस चीज को। लोगों आपको इजाजत है यहाँ पर इफ्तार करने की, हो सकता है हम ऐसे ही गंदगी फैलाते रहेंगे तो कल होकर के यहाँ पे इफ्तार करना भी इनके आंगन में परिसर में मना हो जाएगा, इसलिए मोहब्बत बांटते रहिए और इफ्तार करते रहिए और देखते रहिए आप जकी व्लॉग को, और पीछे देखिए जामा मस्जिद का। और अजान हो गई है और हम लोग इफ्तार पे बैठ गए हैं सारे लोग, मैं भी कुछ लेता हूँ। और हम लोग सारे लोग इफ्तार पे बैठ गए, अजान हो गई, इफ्तार कर रहे हैं अभी, शोएब भी आ गए हैं, शोएब के कुछ फ्रेंड्स भी आ गए हैं यहाँ पर और जैसे कॉलेज मेट, और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे मैच देखने के लिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग और वो सेमीफाइनल मैच है, पर अभी हम लोग नमाज पढ़ेंगे यहाँ पे मगरिब की, मगरिब की नमाज पढ़ के निकलेंगे। और पीछे आप देख सकते हैं जामा मस्जिद का व्यू, लाइटनिंग स्टार्ट हो गई है, लाइट जल गई है यहाँ। फ्रेंड्स यहाँ पे सारे लोग नमाज पढ़ लिए मगरिब की, नमाज पढ़ के लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और पीछे जामा मस्जिद में लाइटिंग जल रही है, बहुत ही खूबसूरत नजारा रहा। और आप बताइए आपको कैसा लगा ये व्लॉग जो हम इफ्तार करने आए सारे दोस्त लोग के साथ यहाँ जामा मस्जिद में, भैया भी साथ में थे, शोएब था, अत्यंत इंतखाब थे, लास्ट में शोएब के और भी कुछ दोस्त आ गए कॉलेज के, और आप बताइएगा कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और बताइएगा कि व्लॉग में आपको क्या क्या पसंद आया और क्या क्या पसंद नहीं आया, और अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा क्योंकि अगला वीडियो ही जामा मस्जिद का होने वाला है, जो हम रात का डिनर और इफ्तारी यही करेंगे, तो लेट्स गो। और रात के बज रहे हैं 12 और हम लोग सारे लोग आ गए हैं जामा मस्जिद,
और अभी जामा मस्जिद में हम लोग खाएंगे और सुबह सेरी तक रहेंगे और एक से बढ़ के एक चीज। ये शेख साहब आए हैं दुबई रिटर्न, मिलिए इनसे जी, पूरा पिंग हो गया।